नमस्कार, मैं मनदीप कौर और आप देख रहे हैं यमुनानगर सिटी न्यूज़। इस समय की लाइव तस्वीरें आपको जिला यमुनानगर के रामपुरा कॉलोनी से दिखा रहे हैं और आज जिला यमुनानगर में रहने वाले जितने भी जिलावासी हैं सभी एक ही गंभीर समस्या से बहुत ही ज़्यादा जूझ रहे हैं और वो समस्या क्या है आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जिला यमुनानगर में जगह जगह लगे गंदगी के ढेर की। आज पता चल रहा है कि जिला यमुनानगर में और हमारे समाज में जो नगर निगम कर्मचारी हैं उनका कितना बड़ा योगदान है। आज अपनी मांगों को लेकर नगर निगम कर्मचारी पूरे हरियाणा में हड़ताल पर बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके लोगों के घरों में ना आने से जगह जगह इसी तरह के कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और आज जितने भी जिलावासी हैं हरियाणा सरकार के आगे गुहार लगा रहे हैं कि कर्मचारियों की जो भी जायज मांगे हैं उनका जल्दी से समाधान किया जाए, क्योंकि आने वाले समय में इस कूड़े के ढेर से जगह जगह महामारी तो फैलेगी ही फैलेगी। लेकिन आप देख सकते हैं जो कॉलोनियों के जो जगह जगह रहने वाले जिलावासी हैं उनके जो मासूम बच्चे हैं वो बाहर भी निकलकर खेल नहीं सकते हैं। आज महिलाएं जो हैं हमारे चैनल पर हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं, क्योंकि पुरुष तो अपने अपने कामों पर चले जाते हैं लेकिन जो महिलाएँ हैं महिलाओं को सबसे ज़्यादा समस्या आती है। आप देख सकते हैं कि हर कॉलोनी में जो आवारा कुत्ते घूमते हैं वो कहीं ना कहीं ये जो गंध है ये उठा कर लोगों के घरों के बाहर जो है बिखेर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर स्वच्छता अभियान की धज्जियाँ उड़ती दिखाई दे रही हैं। आखिरकार हरियाणा सरकार क्यों कर्मचारियों की मांगों को नहीं मान रही है? हर जगह तो स्वच्छ भारत अभियान के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, नारे लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जिला यमुनानगर में अगर हम स्वच्छता अभियान की अगर हम बात करें तो हरियाणा सरकार के ये जो दावे हैं वादे हैं खोखले साबित हो रहे हैं। जी हाँ, इन वादों की धज्जियाँ उड़ती दिखाई दे रही हैं और आप देख सकते हैं जो बच्चे हैं महिलाएं हैं पुरुष हैं सभी हमारे साथ जुड़े हैं। तो आने वाले समय में इनकी क्या कुछ मांगे हैं एक बार इन लोगों से जरूर जानेंगे। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मैं सुनीता। सुनीता, क्या कुछ कहना चाहेंगी? जिला यमुनानगर में जगह जगह ये जो गंद के ढेर लगे हुए हैं क्या समस्या आ रही है इसके चलते? सब बच्चे बीमार हो रहे हैं, पूरे घर में बीमारियां, सब लोग बीमार हैं, तो बहुत गंदगी है। कुत्ते उठा उठा के गंद जो दूसरों के घरों में डाल रहे हैं, गली में पूरा गंद फैला रहे हैं। कितने समय से ऐसे ढेर लगे हुए हैं? कब से मतलब गाड़ियां नहीं आ रही हैं? एक हाँ, 3-4 महीने हो गए हैं। हाँ जी, पहले तो लोग इधर उधर फेंक आते थे, भाई सड़क पार जो जांजा बना रखे हैं वहाँ डाल आते थे, अब फिर यही डालना शुरू कर दिया, सारे यही डाल जाते हैं। जी, पुरुष तो सारे काम पर चले जाते हैं तो घर पर जो महिलाएं रह जाती हैं उनके लिए ज्यादा समस्या बड़ी हो रही है। हाँ जी, हाँ जी, गंद है, बच्चे हैं, सब बीमार हो रहे हैं जी सारे के साथ। और भी महिलाएं हमारे साथ हैं, जरूर जानेंगे इनसे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? हाँ जी, आशा धवन। आशा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगी? ये जो जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं क्या कुछ जो है सामने आ रहा है? हाँ जी मैम, गंदगी वजह से सारी बहुत निकलना मुश्किल हो रहा है, बहुत ज्यादा बच्चों का भी और हमारा भी, मुंह बंद करके जाना पड़ता है। लेकिन कर्मचारी तो हड़ताल पर बैठे हैं, पता नहीं सरकार कब उनकी मांगे मानेगी, क्या करोगे फिर आप भी? उनको जल्दी से जल्दी उनकी मांगे माननी चाहिए, भी वो भी परेशान है, उनको जो चाहिए उनको फैसला सही से करें उनका भी, बस हमारी सरकार के यही रिक्वेस्ट है कि उनको ये चीज़ें उनकी मांगे पूरी करनी चाहिए। हाँ जी जी, देखिए और भी महिलाएं हैं हमारे साथ, सबसे जानेंगे कि क्या कुछ समस्या आ रही है। हाँ जी मैम, क्या नाम है आपका? ममता। ममता जी, क्या कुछ कहना चाहेंगी? रामपुरा कॉलोनी में कब से ये गंदगी के ढेर लगे हुए हैं? गंदगी का ढेर तो काफी टाइम से ये चल रहा है और गली में भी कोई नहीं आ रहा उठाने के लिए, यहाँ से निकलना भी मुश्किल हो रहा है भाई, बीमार बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं, यहाँ से आना जाना बहुत मुश्किल। हम तो यही कहते हैं भाई यहाँ से कूड़ा उठाया जाए ताकि निकल। आप लोगों ने इस समस्या के बारे में पार्षद से या मदन चौहान जी से बात करने की कोशिश की? कभी गए उनके पास कि इसका कोई समाधान निकलना चाहिए? बस अभी कर रहे हैं बात, तभी आपको बुलाया भाई, यहाँ से आपके थ्रू ही कोई समाधान निकले हमारे यहाँ से। हाँ जी माता जी, क्या नाम है आपका? तृप्ता। तृप्ता जी, कितने सालों से रह रही है यहाँ पे? यहाँ 10-11 सालों से रह रही है। 10-11 साल से, और ये जो गंदगी के ढेर लगे हैं कब से लगे हो गए हैं? हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? यही भी उठवा दो आप जैसा भी हो सके, लेकिन कर्मचारी तो अभी वो तो आ ही नहीं रहे, तो गंदगी से बीमारियां फैलेंगी और क्या क्या लगता है समाधान होना चाहिए इसका? हाँ हाँ बिल्कुल। अभी के लिए कूड़ा वगैरह कहाँ गिर रहे हैं? अभी पहले तो वहाँ बाहर सड़क पे गिरते रहे, अब यहाँ भी नहीं हम गिरते, हम ट्रालियों में ही गिर के रहते हैं बाहर के।
तो आप देख सकते हैं महिलाएं बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी हैं। उनका कहना है कि गली में जो आवारा कुत्ते घूमते हैं वो यहाँ से जो गंदा कूड़ा है उसे लोगों के घरों के बाहर जा जाकर जो है बिखेर देते हैं। पुरुष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो एक बार जरूर इनसे जानेंगे। सर क्या नाम है आपका? लक्ष्य जी। लक्ष्य, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम देखो यहाँ पे ना आपको सफाई कर्मी है ना, जैसे कि कॉलोनी में कई जगह आते हैं लेकिन इस गली की बात की जाए तो आज तक नहीं आए। जो हम इनसे बात करते हैं कि हाँ भाई हमें सफाई करवानी है, कुछ चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे यहाँ ड्यूटी नहीं है सर, है ना। हमने मेयर से बात करी, एमसी से बात करी, लेकिन आपको संविधान निकला नहीं है, ठीक है। और ये कूड़ा घेरते हैं, अब पहले गाड़ी आती थी, अब गाड़ी नहीं आती, गाड़ी को लगभग 2 महीने हो गए, अब लोग कूड़ा कहाँ घेरेंगे बताओ। बात की है मेयर साहब से की है, एमसी से की है, वो कहते हैं हम बात करेंगे, अफसरों को आवाज़ देते हैं, हवाला देते हैं, आश्वासन देंगे, अखबारों में डाला, मीडिया के माध्यम से बोला, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकला इसका। तो हरियाणा सरकार के आगे क्या गुहार लगाना चाहेंगे? मैम ये कहना चाहेंगे पहले तो आप भर्तियाँ करो। वो कहते हैं कि बस बंदे नहीं है, अब बंदे होंगे तो सफाई करवाएंगे, ना सफाई करवाते हैं ना कुछ है, अब हम कैसे करें? देखो अभी तो मच्छर भी इतना है, डेंगू चल रहा है, बच्चे खेलते हैं, ये बच्चे अभी बीमार भी हुए, डेंगू पॉजिटिव रिपोर्टें भी आई हैं। इसी वजह यही है कि गंदगी, दिवाली के देख लो आपके सामने पटाखे पड़े हैं, बहुत गंदा मैम, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं है इस चीज़ का। तो आप देख सकते हैं जगह जगह गंदगी के ढेर लगे होने से कॉलोनी वासियों का कहना है कि बच्चे बहुत ही ज्यादा पहले भी बीमार रह चुके हैं, लेकिन अगर आने वाले समय में हरियाणा सरकार कर्मचारियों की इन मांगों को नहीं मानती है तो आने वाले समय में ये जो गंदगी जगह जगह आपको जिला यमुनानगर में दिखाई दे रही है इससे कोई ना कोई महामारी जो है वो फैलने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। जी हाँ, हरियाणा सरकार के दावे कहीं ना कहीं आज खोखले साबित होते दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कूड़ा करकट लोगों के घरों में जाकर उठाना हर किसी के बस की बात नहीं है, इसीलिए कहा जाता है कि जो नगर निगम कर्मचारी हैं उनका हमारे समाज में बहुत ही अहम योगदान है, उन्हीं की बदौलत घर घर जाकर हर कॉलोनी में कूड़ा करकट गाड़ियों के द्वारा उठाया जाता है। और आज जब वो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर बैठकर धरना कर रहे हैं, जी हाँ सिर्फ जिला यमुनानगर की नहीं पूरे हरियाणा के कर्मचारियों की हम बात कर रहे हैं, सभी अपनी जायज़ मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन हरियाणा सरकार के द्वारा अभी तक उनकी कोई भी मांग नहीं मानी गई है। और कर्मचारियों का साफ कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हम कहीं से भी कूड़ा भी नहीं उठाने देंगे। तो आप देख सकते हैं कि लोग हमारे चैनल के माध्यम से हरियाणा सरकार के आगे इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। हरियाणा सरकार स्वच्छता अभियान की जो बड़ी बड़ी बातें करती है, अब वो बातें और वो जो दावे हैं कहीं ना कहीं खोखले साबित हो रहे हैं। तो सभी जो हैं अपील कर रहे हैं कि जो कर्मचारियों की जायज़ मांगे हैं उन्हें जल्द से जल्द मांगी जाएं, ताकि वो एक बार फिर से कॉलोनियों में आकर जगह जगह घर घर जो कूड़ा करकट उठाने का काम करते हैं वापस अपनी जिम्मेवारियों को कर्तव्यों को निभाएं। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर से मनदीप कौर की रिपोर्ट।